सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को और पाते रहिए ऐसी अपडेट्स और ऐसी ही वीडियोस। याद रखिए सब्सक्रिप्शन हमेशा फ्री होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो गूगल है उसमें जो डूडल आया है वो आसिमा चटर्जी के नाम से आया है। आप सब सोच रहे होंगे कि आसिमा चटर्जी कौन थी, तो आज हम आपको बताते हैं कि आसिमा चटर्जी थी कौन। आसिमा चटर्जी थी, वो जन्म उनका हुआ था 23 सितंबर 1917 को, मृत्यु उनकी हुई थी 22 नवंबर 2006 को। वो एक इंडियन ऑर्गेनिक केमिस्ट थी और वो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट थी और फाइटो मेडिसिन के फील्ड में वर्क के लिए जानी जाती हैं। उनका जो मोस्ट नोटेबल वर्क्स थे, उनके मतलब बहुत माने जाने वाले वर्क, वो थे विंका एल्किनोइड्स का रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ मलेरियल मेडिसिन। तो उन्होंने मलेरिया की मेडिसिन के लिए काफ़ी मेहनत का कार्य किया था, मलेरिया की मेडिसिन को डेवलप किया था जो कि सबसे ज़्यादा जानी जाएंगी इस वजह से। और वो मेडिसिनल प्लांट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उन्होंने ही खोजे थे कुछ। और जब पैदा हुई थी वो 23 सितंबर 1917 को बंगाल में, कलकत्ता में ही वो बड़ी हुई थी। और 1936 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से ऑनर्स इन केमिस्ट्री करी थी, यानी बीएससी केमिस्ट्री में। और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलटेक में उनका रिसर्च एक्सपीरियंस भी था, काफ़ी मेहनत की थी उन्होंने। लेडी बारबन कॉलेज कलकत्ता में उन्होंने 1940 में ज्वाइन किया था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनी वो केमिस्ट्री की। और डॉक्टरेट ऑफ साइंस बन गई सेकेंड वुमेन इंडिया की इंडियन यूनिवर्सिटी से। और उनको कुछ अवार्ड मिले थे, उनमें हैं प्रेमचंद रॉयचंद स्कॉलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता का अवार्ड मिला था। सेकेंड वुमेन थी वो जानकी अम्मल के बाद की, डॉक्टरेट ऑफ साइंस मिला इंडियन यूनिवर्सिटी से 1944 में। और 1962 में प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री थी, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एंड कवेटेड चेयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। 1972 में ऑनरी कोऑर्डिनेटर ऑफ स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम टू इंटेंसिफाई टीचिंग एंड रिसर्च इन नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी से हुआ था, उसको मिला था। 1960 में ये फेलो ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी न्यू दिल्ली से फेलो चुनी गई, उनको फेलोशिप मिली। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला और इनको केमिकल साइंस में, और वो पहली वुमेन बनी जिन्हें ये अवार्ड मिला, इससे पहले किसी वुमेन को नहीं मिला था। और 1982 से लेकर 1990 तक वो राज्यसभा की प्रेसिडेंट चुनी गई, काफ़ी गर्व की बात है। और 23 सितंबर 2017 जो आज गूगल ने उनका बर्थडे 100 सेलिब्रेट किया एक डूडल के जरिए। डूडल है गूगल का, आप सब देख ही रहे होंगे जो आपका आ रहा है। तो आप पता चल गया आपको आसिमा चटर्जी एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, भारत की गर्व की बात है कि वो हमारे देश में पैदा हुई और उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी खोज करी। और दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। Bye for now.